आ गया हूं तो मेरी कहानी सुन लीजिए ना प्लीज। आज नहीं फिर कभी। यारे फिर कभी फिर कभी फिर कभी। साला जब से मैं पैदा हुआ कोई मुझे अपने ढंग से काम ही नहीं करने दे रहा। जब मैं बच्चा था मैंने बाप से कहा कि मुझे अंग्रेजी स्कूल में जाना है तो बाप ने मुझे पंजाबी स्कूल में डाल दिया और मेरे भाई को अंग्रेजी स्कूल। मैंने कहा मैं कब जाऊंगा अंग्रेजी स्कूल में। बाप कहता फिर कभी। ठीक है और मैं चुप रहा। कॉलेज में एक लड़की से मोहब्बत करता था तो उससे मैंने कहा कि मुझसे शादी करोगी। उससे कहा फिर कभी और किसी और से शादी कर। मैं साला तब भी चुप रहा। मेरा बाप मरते मरते वसीयत में मेरा घर मेरे भाई के नाम करके चला गया और मेरे भाई ने मुझे और मेरी मां को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कि यार बीमार मां है बुढ़िया है मैं उसको लेके कहां कहां भटकूंगा। मां के लिए तो घर में एक कमरा दे दे। वो बोला फिर कभी। मां को झोपड़े जैसे घर में रखा मैंने। वो बीमार थी आखिरी सांसें ले रही थी और उसके चौखट पर मैंने सर पटक पटक के उसके जीने की भीख मांगी। मैंने कहा कि मां तू रुक जा मैं तेरे बगैर जी नहीं सकूंगा तू रुक जा। उसने कहा फिर कभी फिर मैं चुप रहा। मैं चुप रहा कब तक। अब दिल मत छोटा कीजिए राजी। फिर कभी कभी नहीं। अभी आ बैठिए। आप ऐसे कभी मत सोचिए। तसल्ली रखिए। ये लीजिए मैं आपकी कहानी सुनूंगा। सुनाइए। तो अभी जो सुनाया वो क्या था है? यही तो कहानी है, है? नाना मेरी रियल लाइफ में तो मैं मस्त रहता हूँ।